फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास यह है 3 HP सिंगल फेस की मोटर है जो कि छक्की की मोटर है जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह है बॉन्डिंग की ही मोटर है। इसके जो दोस्तों पैरेलल कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन है किस तरह से कर सकते हैं जो कि आप इस वीडियो में कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यह रनिंग वायर है, सबसे पहले इसे रनिंग वायर को नीचे की ओर कर देते हैं। इसमें हमारे पैरेलल कनेक्शन होंगे जो कि रनिंग वायर में, और यह हमारे स्टार्टिंग वायर है, इसे हम इसमें हमारी सीरीज कनेक्शन होगी। तो सबसे पहले वायर का जो पॉलिश है इसे रिमूव कर देते हैं, जो कि मैंने पहले से ही रिमूव कर दिया है। तो इसी तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यह है हमारी पहली कॉल का इनर वायर है, यह आउटर वायर है। तो दोस्तों इनर वायर है जो को हम इसे बाहर की ओर निकालेंगे इस तरह से कनेक्शन के लिए। इसमें हम 1 नंबर स्लिप और 2 नंबर स्लिप यूज होंगे। यहाँ से आप देखते हैं नाप के इसे 1 नंबर स्लिप यहाँ तक, इस वायर को बाहर निकालने के लिए जो पहली कॉल का इनर वायर है इसे बाहर निकालने के बाद दोस्तों जो पहली कॉल का आउटर वायर है इसमें हम 2 नंबर स्लिप यूज मिलेंगे जो कि आउटर वायर में ज्वाइंट होगा, जो कि हमारी दूसरी कॉल के आउटर वायर में ज्वाइंट होगा उसमें हम 2 नंबर स्लिप यूज में लेंगे। इसमें हम सबसे पहले 2 नंबर स्लिप डाल देते हैं और इसमें भी हमारी 2 नंबर स्लिप डाल देते हैं जो कि दूसरी कॉल का आउटर वायर है। इस तरह से डालने के बाद इसमें हम 3 नंबर स्लिप डालेंगे जो कि कवर के रूप में इसमें लगेगी। इस तरह से थोड़ी स्लिप कवर के रूप में लगेगी। आउटर को आपस में ज्वाइंट कर देंगे जो कि हमने पहली कॉल के आउटर वायर को दूसरी कॉल के आउटर वायर से ज्वाइंट कर दिया। यह हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। एक्स्ट्रा वायर को हम जो कि प्लायर की मदद से काट देते हैं। और दोस्तों अब बचा हमारा दूसरी कॉल का इनर वायर और तीसरी कॉल का इनर वायर, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, कनेक्शन गिनेंगे 1 2 3। इस तरह से हमारे कनेक्शन होंगे 1 से 3। इसके ऊपर कवर के रूप में 3 नंबर स्लिप लेंगे। और इसे आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद इसे प्लास की सहायता से दोनों वायर को ज्वाइंट को आपस में अच्छी तरह से ज्वाइंट कर दें, जिस कारण से हमारी स्पार्किंग ना बनेगी तो हमारी मोटर जो कि कोई भी परेशानी नहीं आएगी मोटर में। इस तरह से जो 3 नंबर स्लिप डाली थी वो इस तरह से लगा देंगे। इसमें भी हम 3 नंबर स्लिप इसी तरह से लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद इसे नीचे की ओर इस तरह से कर देंगे, इसे सामने की तरफ कर देंगे। और बचे दूसरे तो 3 वायर जो कि हमारी तीसरी कॉल का आउटर वायर चौथी कॉल के आउटर वायर से ज्वाइंट होगा। आउटर को आउटर से, इनर को इनर से ज्वाइंट करेंगे। आउटर को आउटर से ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर भी हम यह स्लिप जो कि 3 नंबर लगा देंगे कवर के रूप में, जो हमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इस तरह से अब बचा हमारा चौथी कॉल का इनर वायर, तो इसे हम बाहर की ओर कनेक्शन के लिए निकालेंगे। तो इसमें हम स्लिप डाल लेते हैं, कनेक्शन के लिए बाहर निकाल देते हैं जो हमारे सीरीज कनेक्शन हो गए। 1 से 3 हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। आउटर से ज्वाइंट होता है, इनर से ज्वाइंट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे बाहर निकाल देते हैं, फिर आपको पैरेलल कनेक्शन बताते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारी सीरीज कनेक्शन थी स्टार्टिंग की मैंने कंप्लीट कर दी है। दोस्तों अब इसमें हमारी जो रनिंग वायरिंग है उसमें हमारे पैरेलल कनेक्शन होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इनर वायर है जो कि हमारी चारों कॉल में इनर वायर है इसे सबसे पहले नीचे कर देते हैं। इसमें मैंने सब में जो जो वायर जिस तरह से जॉइंट होने हैं उस तरह से मैंने सब में फिर स्लिप डाल ली है। सबसे पहले जो हमारा इनर वायर है जो कि चारों कॉल का इनर वायर इसे हम नीचे की ओर कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा इनर वायर है आउटर को ज्वाइंट करेंगे, इनर को बल्कि इस तरह से ज्वाइंट करेंगे जो कि आपको पैरेलल कनेक्शन बताएंगे। सबसे पहले इनर वायर को हम नीचे की ओर कर देंगे जिस तरह से यह है इनर वायर इसे नीचे की ओर किया। यह इनर वायर है हमारा जो कि दूसरी कॉइल का इसे नीचे की ओर किया, यह पहली कॉइल का इनर वायर इसे नीचे की ओर किया। अब बचे दोस्तों आउटर वायर को वापस उठा लेते हैं। इनर वायर नीचे करने के बाद दोस्तों रनिंग कॉइल के चारों सेट के रनिंग बल्कि इनर वायर नीचे करने के बाद चारों वायर नीचे करने के बाद दोस्तों बचे आउटर वायर यानी कि चारों कॉल के आउटर वायर को आपस में आउटर से आउटर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, जो कि आप देख सकते हैं पहली कॉल वाइन थे दूसरी कॉल के आउटर को आउटर से इस तरह से ज्वाइंट कर देते हैं, और जो कि आप देख सकते तीसरी कॉल के चौथी कॉल के आउटर से ज्वाइंट करेंगे। खाली आउटर को ज्वाइंट करना है। हमारे चार कॉल के जो रनिंग वायर हैं जो कि बल्कि इनर वायर हैं इसे हमारे चार बचे हुए हैं। सिर्फ आउटर वायर को ज्वाइंट करने के बाद इसमें हम प्लास से अच्छी तरह से ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद हम यह चार नंबर स्लिप जो कि कवर के रूप में लगा देते हैं। इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों हमारे जो आउटर वायर जो ज्वाइंट हो चुके हैं। अब दोस्तों बचे हमारे चार इनर वायर इसी में हमारे पैरेलल कनेक्शन होंगे। किस तरह से दोस्तों इस इनर को बल्कि हमें इस इनर के साथ ज्वाइंट करेंगे, जो हमारा यह इनर वायर है आमने सामने ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से इसे बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, यह हमारे मेन सप्लाई के लिए वायर जाएंगे। यहाँ से इसे बाहर निकाल देते हैं और इसी को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यह दोनों हमारे वायर होगा जो आमने सामने वायर होंगे। इस तरह से हमारे जो पैरेलल कनेक्शन है होंगे। यह हमने जो बंद लगाया हुआ है बाहर यह हमारा एक ही वायर इस तरह से हमने यह ज्वाइंट किया है। यह हमारे जो कि आपस में कॉमन हो जाएंगे इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों बचे आमने सामने के दो वायर, इसे भी हम बाहर की ओर निकालेंगे जो कि आप देख सकते हैं यह भी हमारे आपस में जो कि ज्वाइंट हो जाएंगे। जब खाली आमने सामने के वायर हैं जो कि रनिंग के बल्कि इनर वायर को आपस में ज्वाइंट करना है तो हमारे यह पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे। इस तरह तो दोस्तों इस तरह से आप पैरेलल कनेक्शन की जो कनेक्शन है कंप्लीट कर सकते हैं, या इसकी सिलाई बुंदाई कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी पैरेलल कनेक्शन जो कि कंप्लीट हो चुके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।